फ्रेंड्स आपका फिर से टोटर हम चैनल पर स्वागत है आज हम लोग फिर से एक मैथ ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे जिसमें आपको टेबल याद हो या न याद हो कोई मैटर नहीं करता नहीं भी याद होगा तो आसानी से बनेगा इसमें के लिए हम लोग एक लाइन से बनाएंगे बस लाइन ड्रॉ करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हमारा पहले हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे यहाँ पहले इलेवन इंटू ट्वेल्व इलेवें से ट्वेल्व में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे ऐसे तो हम लोग इलेवन इंटू ट्वेल्व टेबल पर के करते हैं लेकिन इसमें हम लोग लाइन घींच कर करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे वन है तो वन लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए देख लीजिए वन है तो यहाँ पे वन लाइन ड्रॉ फिर इसके बाद फिर एक वन है तो इसमें फिर नीचे थोड़ा गैप देकर फिर एक और लाइन घीचेंगे उसके बाद यहाँ पे वन और टू है दो डिजिट तो उसके बाद वन फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे टू है तो थोड़ा गैप करके इस साइड दो लाइन ड्रॉ करेंगे तब वो हो गया हमारा अब इसमें क्या करना है मेन का अब देखिए अब हमारा लास्ट जो डिजिट होगा सॉल्यूशन का उसको निकालेंगे पहले लास्ट वाले को तो कैसे निकालेंगे देखिए इस कॉर्नर पे आपको जो दो लाइन जहाँ पे मिलता है उससे काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन यहाँ पे एक ज्वाइंट हो रहा है ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है और यहाँ पे भी एक और है यहाँ पे दो है पॉइंट तो यहाँ पे दो पॉइंट है तो वन और टू वन वन टू हो जाता है तो यहाँ पे टू लिखेंगे दो है तो दो तो लिखेंगे तो. उसके बाद अब उसके बाद बीच वाले को करते हैं बीच वाले को सॉल्यूशन कैसे लेंगे और उसमें देखिए अब यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग काउंट करेंगे तो क्या कितना है यहाँ पे वन टू और ये थ्री तो थ्री है हम लोग ये ध्यान देंगे कि इधर से चालू करेंगे लास्ट इधर होगा तो हमारा बीच वाला है और उसके बाद लास्ट निकालने के लिए सिंपल ये इसको काउंट करेंगे बचा यही है तो यहाँ पे वन है वन आ गया हमारा सॉल्यूशन निकल गया वन थर्टी टू इलेवन इंटू ट्वेल्व इज कल टू वन थर्टी टू हमारा सॉल्यूशन बिना टेबल के बस काउंट करके अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे दूसरा और क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं रैंडम कोई नंबर लाइक ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फोर इसको कैसे करेंगे यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे वन और टू है ट्वेल्व है तो पहले वन को लेंगे तो वन को लेने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे वन लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद टू है तो यहाँ पे थोड़े गैप देकर यहाँ पे एक दो लाइन खींचेंगे क्योंकि वन और वन टू होता है तो दो लाइन उसके बाद यहाँ पे ट्वेंटी फोर है तो यहाँ पे टू है फर्स्ट डे तो टू लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो इस साइड हमें टू लाइन ड्रॉ करना है तो टू लाइन हो गया फिर हो गया उसके बाद फिर फोर है यहाँ पे four one, two, three, four. तो फोर लाइन इस साइड वन टू थ्री फिर फोर हमारा फोर लाइन हो गया ड्रॉ ठीक है ड्रॉ हो गया फोर लाइन उसके बाद क्या करेंगे अब काउंट करने के बारी तो हमारा लास्ट डिजिट जो होगा लास्ट डिजिट उसको काउंट उसको सॉल्यूशन लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जो जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे मिल रहा है उसे काउंट करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी कितने मिल रहे हैं कहाँ कहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ है तो एट लिख देंगे अब उसके बाद क्या करेंगे अब उसके पहले क्या आएगा डिजिट सॉल्यूशन का उसको लाने के लिए बीच वाले को काउंट करना तो बीच वाला हमारा क्या है ये है और ये है तो इसमें यहाँ रहा है मिल रहा है यहाँ भी, भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है यहाँ पर तो चार और यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे, पे भी तो चार यहाँ पे और चार वहाँ पे तो आठ ठीक है ये हमारा एट आ गया अब हमारा फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर इसको काउंट कर लेंगे एक और दो दो आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया बिना टेबल का सिंपल और एक और सॉल्व कर लेते हैं अब थ्री डिजिट को सॉल्व इसी तरह भी कर सकते हैं थ्री डिजिट चाहे फोर डिजिट जितना भी हो लाइन ड्रॉ करके हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं एक रैंडम नंबर थ्री डिजिट का ले सकते हैं टू हंड्रेड थर्टी टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर ओके अब इसे क्या करेंगे थ्री डिजिट है टू थ्री टू तो हम लोग तीन ग्रुप कर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या यहाँ पर टू है तो फर्स्ट में यहाँ पर टू उसके बाद थ्री है तो बीच में तो गैप देख देख कर करना है यहाँ पे थ्री हो गया और लास्ट टू है तो थोड़ा और गैप देकर फिर टू हो गया उसके बाद क्या अब दूसरे वाले डिजिट में देखेंगे वन टू और फोर है डिजिट तो वन यहाँ पे इस साइड फिर यहाँ पे टू है तो टू उसके बाद फोर है थोड़ा so एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी फोर लाइन के लिए तो यहाँ पे देखिए फोर है तो यहाँ पे फोर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने फोर लाइन अब आती है इसमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको देखने में आ, लग रहा होगा लेकिन ये भी सिंपल है कैसे इसमें हमारा लास्ट डिजिट निकालने के लिए सिंपल वही इसको काउंट करेंगे ये वाले कॉर्नर को तो कितने हैं यहाँ पे पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तो एट यहाँ पे लिख दिए अब उसके बाद क्या है अब उसके बाद इसके पहले कौन सा डिजिट आएगा सॉल्यूशन में इसके लिए हम लोग ये और ये काउंट करेंगे ठीक है ये ये काउंट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह आ रहा है ठीक है बारह और यहाँ पे तेरह चौदह पंद्रह सोलह यहाँ पे चार सोलह आया तो हम तो, तो सोलह लिखेंगे नहीं उसका सिक्स लिखेंगे और वन कैरी हो जाएगा वन कैरी हो गया ठीक है अगले वाले में ऐड होगा ये तो अगला वाला इससे पहले कौन सा डिजिट आएगा सॉल्यूशन का तो इससे पहले ये इसे काउंट करेंगे इसे काउंट करेंगे और इसे काउंट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा तो इसे काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह और यहाँ पे एक है तो सत्रह सत्रह का वन सेवन लिखा जाएगा वन फिर कैरी अब उसके बाद इससे पहले वाला डिजिट तो ये इसे काउंट करेंगे और इसे काउंट करेंगे तो काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन और यहाँ पर वन कैरी ले लेते हैं एट हो गया अब देखिए जो ब यहाँ पे वन जो उसका था तो हमने इसमें ऐड किए चलिए अब लास्ट डिजिट तो बचा ये वन और टू हमारा सॉल्यूशन सिंपल तरीके से बन गया बिना टेबल याद हो या ना याद हो बस लाइन ड्रॉ करके हमने मल्टीप्लिकेशन को ट्रिक से सॉल्व कर लिया तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा